ध्यान से देखो बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जितनी बार का उठा के देखेंगे आपको पीओपी पूछेगा ही पूछेगा। इसका फुल फॉर्म होता है पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपसे पूछेगा कि किस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है, क्या उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आप जितनी बार का मॉडल पेपर देखेंगे, अभी का आप मॉडल पेपर उठा के आप देखेंगे, आपके पास सेवरसेज वगैरह जो होगी उसमें पक्का पीओपी को दिया ही होगा, ठीक है। क्या उपयोग है प्लास्टर, पहले समझ जाते हैं कुछ इसके बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीओपी, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। नाम जरूर याद रखेंगे आपका, ये हो सकता है आपको बहुविकल्पी में बना के दे दे या एक नंबर बना के दे दे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। नाम जरूर याद रखेंगे, क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। फार्मूला की बात करें है ना, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो CaSO4 ना ट्वाइस H2O, याद हो गया, CaSO4 ट्वाइस H2O। आसानी से याद करेंगे, ये आपको दो नंबर दे के जाने वाला है और बहुत टफ नहीं, बहुत आसान है। इसका निर्माण हम कैसे करते हैं तो समझिए, इसका निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहले हम लेते हैं जिप्सम। आप जिप्सम ले सकते हैं किसी भी जगह पे, ये अवेलेबल है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे या फिर किसी डॉक्टर वगैरह में जाएंगे तो आप कहेंगे जिप्सम दे दीजिए, वो आपको जिप्सम दे देगा, या फिर जहाँ से प्रयोगशाला वाली सामानें लाई जाती हैं आप ऑनलाइन भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं, जिप्सम आप मंगा सकते हैं। जिसको आप किसके साथ मिलाएंगे, पानी के साथ मिलाएंगे, तो जैसे ही जिप्सम पानी के साथ मिलता है वो क्या हो जाता है, किसमें परिवर्तित हो जाता है, पीओपी में। जिसको आप घर वगैरह जो बनाते हैं, जो पुट्टी की जाती है वो क्या होती है, वो होती है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब किसी का हाथ वगैरह टूट जाता है तो आप देखते हैं ना, लटका देते हैं डॉक्टर साहब बायां हाथ दायां हाथ दोनों टूट गए तो दोनों लटका देंगे, तो पैर भाई साहब का लटका रहता है, तो उसमें क्या लगाया जाता है, पीओपी लगाया जाता है। वो होता क्या है, वो जिप्सम होता है जिसे हम पानी के साथ मिला देते हैं, गर्म कितना करेंगे, 150 डिग्री से लेके 160 डिग्री, जिसको आप केल्विन की बात करें तो 373 डिग्री केल्विन में हम गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा क्या, पीओपी। पॉइंट समझना, निर्माण जरूरी याद रखना कि जिप्सम के साथ पानी को हम मिक्सअप करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे 150 से लेके मतलब 150 डिग्री सेल्सियस से लेके 160 डिग्री सेल्सियस तक हम इसे गर्म करेंगे तो हमें पीओपी प्राप्त हो जाएगा। पॉइंट समझो फिर से, प्लास्ट क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का शॉर्ट फॉर्म होता है पीओपी, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, फार्मूला क्या होता है, CaSO4 ट्वाइज H2O, समझ रहे हैं, CaSO4 ट्वाइज H2O, ये इसका फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है। दोनों में से एक बना देगा आपको बहुविकल्पी या फिर आपको एक नंबर का बना देगा कि भाई आप बता दीजिए कि पीओपी का रासायनिक नाम क्या होता है या फिर पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या फिर अगर आपको तीन नंबर या दो नंबर में दे देगा तो आपको बताएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पर विवेचना कीजिए, टिप्पणी कीजिए विस्तार से, इसके रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म तथा उसके उपयोग बताइए, इसके निर्माण की विधि बताइए। समझ रहे हैं, आसान लहजे में हम समझेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, फार्मूला होता है CaSO4 ट्वाइस H2O। आगे बात करेंगे निर्माण कैसे होता है, तो जिप्सम के साथ हम पानी को मिला देंगे, जल को मिला देंगे, जिसे 150 डिग्री सेल्सियस से लेके 160 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो हमें पीओपी प्राप्त हो जाएगी। उपयोग कहाँ करते हैं, रासायनिक गुणधर्म, इसके बारे में समझना, रासायनिक गुणधर्म क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जल के साथ जब इसे अभिक्रिया करवाते हैं जिप्सम का तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, पीओपी। लेकिन उसी पीओपी को जब हम क्या करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो फिर किस में बदल जाता है, वो फिर जिप्सम में बदल जाता है। पॉइंट समझो, हमने भौतिक परिवर्तन पढ़ा था, रासायनिक परिवर्तन पढ़ा था, भौतिक परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु पुनः क्या की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में कोई वस्तु दोबारा प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन था, रासायनिक, समझ रहे हैं, मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन था, भौतिक।
पढ़ा था हमने, जिसमें कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर ले वो भौतिक परिवर्तन, जिसमें कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त ना कर पाए उसे हम बोलते थे रासायनिक परिवर्तन। लेकिन यहां समझिए कि आपसे पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझना, रासायनिक गुणधर्म, पीओपी का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। तो हम जानते हैं हम पीओपी प्राप्त कैसे करते हैं, तो जब हम जिप्सम के साथ पानी को मिलाते थे और गर्म करते थे 373 डिग्री केल्विन तक, यानी कि 150 डिग्री सेल्सियस से लेके 160 डिग्री सेल्सियस, तो हमें पीओपी प्राप्त होता था। लेकिन रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो इसी पीओपी को हम क्या करेंगे, पानी के साथ मिला देंगे तो फिर हमें जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। मतलब जिप्सम से क्या बना, जिप्सम और पानी के मिलने से क्या बना, पीओपी बना, और पीओपी में पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, फिर जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। ये इसकी इसका रासायनिक गुणधर्म है। पॉइंट क्लियर हुआ, अगला टॉपिक समझते हैं, उपयोग कहां करते हैं। यहां समझ लो कि हम क्या करेंगे, CaSO4 हाफ H2O 3/2 है ना, 3/2 H2O, क्या करेंगे हम इनको मिला देंगे तो हमें फिर क्या प्राप्त हो गया, जिप्सम। देखिए जिप्सम CaSO4 जिप्सम मिला, यहाँ जिप्सम मिला कि नहीं मिला, पानी के साथ इसे फिर क्या कर देंगे, क्रिया करवा देंगे तो फिर क्या प्राप्त हो जाएगा, फिर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पीओपी प्राप्त हो जाएगा, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पानी के साथ अब क्रिया करवा दिया, फिर क्या प्राप्त हो गया, जिप्सम। ये इसके रासायनिक गुणधर्म है। फार्मूले पे ध्यान देना, आप लिखेंगे भले गलत लेकिन फार्मूला बना देंगे तो आपका नंबर पक्का है। समझ रहे हैं कि क्या करना है, CaSO4 हाफ H2O है ना, 3/2 H2O के साथ हम अब क्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, फिर से हमें जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसी जिप्सम के साथ हम फिर पानी को क्या कर देंगे, मिला देंगे और 160 डिग्री तक हम क्या करेंगे, इसे गर्म कर देंगे तो फिर हमें पीओपी प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, आशा करता हूं समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं उपयोग की, हम कहां इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज हम कहाँ करते हैं, हड्डियों को जोड़ने में। आप देखते हैं कभी आप हाँ, जब किसी का हाथ वगैरह टूट जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसको प्लास्टर लगाता है। उस प्लास्टर में वो क्या लगाता है, तो यही पीओपी लगाता है। वो क्या काम करता है, पीओपी काम क्या करती है, आपकी हड्डी जब टूट जाती है तो जब डॉक्टर उसे जोड़ देता है तो उसे स्थिर रखने के लिए, ये इतना कठोर हो जाता है जब ये पानी से क्रिया करता है, जिप्सम इतना कठोर हो जाता है कि उसे आप उसमें हिला नहीं सकते, उसे ग्राइंडर से काटा जाता है। समझ रहे हैं, मतलब चाकू वगैरह से आप काट भी नहीं सकते, वो इतना हार्ड हो जाता है पानी से अभिक्रिया करके। आप देखते हैं आपके घर घर या अगल बगल किसी का हाथ पैर अगर टूटा होगा तो वहाँ प्लास्टर लगता है, तो प्लास्टर में क्या लगाया जाता है, तो वो जिप्सम होता है, जिसे पानी के साथ अभिक्रिया करा के हम किस में बदल देते हैं, पीओपी में बदल देते हैं। और बदल देते हैं तो उसके क्या करते हैं, वो इसे स्थिर रखने में, मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ से हाथ टूटा तो यहाँ पूरा प्लास्टर, यहाँ से देखते हैं ना केवल हल्की सी उंगली टूटी तो पूरा यहाँ तक प्लास्टर लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि इस उंगली को स्थिर रखना है, तो स्थिर कौन रखता है, पीओपी स्थिर रखता है। हाथ टूट जाता है तो उसे क्या करते हैं, उसे स्थिर रखने में, मतलब हड्डी इधर उधर मुड़े ना, क्योंकि भाई अगर हाथ टूटा हड्डी मुड़ जाएगी तो फिर यहाँ से फ्रैक्चर हो जाएगा, इसे क्या किया जाता है, इसे पूरा लगा दिया जाता है ना, मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर यहाँ भी टूटा है तो पूरा लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हड्डी को क्या करना है, स्थिर रखना है, तो इसे स्थिर रखने का काम कौन करता है, पीओपी करता है। पहला उपयोग कहां करते हैं, हड्डी जब टूट, किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसे स्थिर रखने में और उसे जुड़ने में सहायता करती है। भाई जब ये दो हड्डियां मान लेते हैं यहां से टूटी हुई है, तो अगर भाई ये टूटी है तो इन्हें क्या करना है, इन्हें स्थिर रखना नहीं, दोनों आपस में कब जुड़ेंगे, जब स्थिर रहेंगे। अब रोज आपका हिलेगी तो यहां होगा, फिर यहां आएगी, रोज ऐसे तो जुड़ेगी, पता चले गायब हो गया, पता चले लुल्ला हो जाओगे। समझ रहे हैं ना, तो उन्हें जोड़ने का काम कौन करता है, मतलब उसमें आपको दवा वगैरह दी जाती है, कैल्शियम बनता है, जितना बनेगा उतनी जल्दी जुड़ जाती है, बच्चों की हड्डियां जल्दी जुड़ जाती है लेकिन बुजुर्ग वगैरह की नहीं जुड़ती, क्या उन्हें जुड़ते हो, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो टूटी हड्डियों को जोड़ने में, मतलब उन्हें स्थिर रखने में पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। ढालने वाले सांचे, जो सांचा वगैरह किसी चीज़ का बनाया जाता है, खिलौने वगैरह का जो ढांचा वगैरह बनाया जाता है, क्योंकि उन्हें परमानेंट बनाना है, तो वो किससे बनाया जाता है, पीओपी से बनाया जाता है। समझ रहे हैं ना, वो आता ना बनाने के लिए आपका, वो गुजिया वगैरह घर पे जो बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, पीओपी वगैरह से। हालांकि हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, बहुत कम लोग ही इसे देखे हैं। आगे मूर्ति खिलौने, आपके घर के आसपास कुछ मूर्तियाँ ऐसी आती हैं जो कठोर होती है बहुत ज़्यादा, वो है ना जैसा लगता है चीनी मिट्टी वगैरह की जैसी लगती है, वो उसमें बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो जिप्सम होता है, वो पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बन जाता है, पॉइंट जरूर याद रखना कि जिप्सम पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बन जाता है, पीओपी बन जाता है, और पीओपी फिर पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। लेकिन पॉइंट याद रखना कि जब जिप्सम को कितना पानी के साथ गर्म करेंगे, 150 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा पीओपी। फार्मूला याद रखना, ठीक है, फार्मूला जरूर याद रखना, CaSO4 ट्वाइज H2O, ठीक है, और इसका जिप्सम का याद रखना CaSO4। तो CaSO4 को आप किससे क्रॉस, किससे करवाएंगे, है ना, किससे आप करवाएंगे, इसे जल के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तो आपको पीओपी प्राप्त हो गया, और यहीं फिर पीओपी के साथ जल की अभिक्रिया करवा देंगे, क्या प्राप्त हो गया आपको, समझ गया ना। बेस्ट ऑफ लक।